मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम में इंदौर की सभी 9 विधानसभा सीटों पर भाजपा के नेताओं ने जीत दर्ज की है। इससे पहले 1993 में भाजपा ने इंदौर जिले में सभी सीटें जीती थी। भाजपा के नेताओं ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। विधानसभा 2 से रमेश मेंदोला ने 1,07,000 वोटों से जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बनाया। वहीं भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहली बार विधानसभा चुनाव में 50,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। पिछली बार यानी 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास इंदौर जिले में 9 में से 4 सीटें थीं। उस चुनाव में संजय शुक्ला, जीतू पटवारी, तुलसी सिलावट और विशाल पटेल जीते थे। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सिलावट भाजपा में शामिल हो गए थे और वो उपचुनाव में जीत गए थे। इस बार कांग्रेस का क्लीन स्वीप हो गया है और 9 में से 9 सीट पर भाजपा का कब्जा हो गया है। भाजपा के 3 विधायक 50,000 मतों के अंतर से जीते हैं। कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला और तुलसी सिलावट को जनता ने बड़ी जीत दिलाई। सबसे कम मतों के अंतर से गोलू शुक्ला जीते हैं, जिन्हें 14,757 मत अधिक मिले हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।